प्रक्षेपण यानों का उपयोग, प्रक्षेपण यानों का उपयोग उपग्रह को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने के लिए किया जाता है। उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किए जाने के लिए किया जाता है, जिसको हम रॉकेट बोलते हैं। कल उपग्रह लॉन्च किया गया है ना, इसके बारे में दो तीन चीजें सबको पता होती है कि वन वेब जो है ये कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, ये क्या काम करती है, क्या उद्देश्य है। तो अगर सिविल सर्विसेज में से हमारे इससे पूछा जाएगा, अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम से, तो क्या पूछा जाएगा, जो करंट होगा वही पूछा जाएगा ना। तो बहुत तक चांसेस है कि ये ब्रिटेन की कंपनी है, ये ब्रिटेन की कंपनी है, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। इसका काम क्या है, प्रमुख रूप से पूरी दुनिया को इंटरनेट उपलब्ध कराना, पूरी दुनिया को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना। तो उस कंपनी ने अपने जितने रॉकेट वो थे उपग्रह, वो भारत से कहा कि इसको आप प्रक्षेपित करिए अपने यान के द्वारा इन कक्षाओं। तो वो उन्हें कल सुबह लगभग 9 बजे के आसपास किया गया, तो मैं अभी लिखा दूँ। उपग्रह यानी कि लॉन्च वेहिकल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, प्रक्षेपण यान का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉन्च वेहिकल। जो अभी लिखा है, भारत के जो क्या है प्रक्षेपण यान है, उनका प्रमुख रूप से जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उपग्रहों को उनकी विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करना। और ये जो साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी है बहुत मुश्किल होती है, क्यों मुश्किल होती है, इसमें कई चरण होते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि एक रॉकेट है, एक मेन रॉकेट हो गया और उसके बाद स्ट्रैपॉन्स हो गया, यानी इसके चारों तरफ पेटी की तरह उसको बांधा जाता है, ठीक है, वो होते हैं। और इनके लगभग 3 चरणों में इनको जलाया जाता है ईंधन। पहला चरण जो होता है वो मुख्य रूप से ठोस होता है, सॉलिड होता है। दूसरा चरण भी सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल करता है, लेकिन ठोस ईंधन का इस्तेमाल करता है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक होता है। क्रायोजेनिक मतलब, क्रायोजेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है, नाम सुना है क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक मतलब बहुत ही न्यूनतम या बहुत ही कम तापमान पर किसी भी चीज़ को काम करना। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तीसरे चरण से लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हजारों डिग्री का तापमान है और यहाँ पर माइनस में तापमान, इसको बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी चुनौती। पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रक्षेपण यानों का कार्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षाओं में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्च वेहिकल्स आर यूज्ड टू कैरी स्पेस क्राफ्ट टू स्पेस। भारत में मौजूदा समय में 3 प्रकार के प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जाता है। तीन प्रकार के प्रक्षेपण यानों का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया हैज 3 एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च वेहिकल्स, एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च वेहिकल्स। पहला है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल, जिसमें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। एक ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान के 3 अलग अलग प्रकार हैं, जिनका इस्तेमाल
जिनका इस्तेमाल दिए गए भार या उपग्रह के भार और स्थापित की जाने वाली कक्षाओं के आधार पर चयन किया जाता है, आधार पर चयन किया जाता है तथा जिस कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना है उसके आधार पर किया जाता है। PSLV इसरो का वर्क हॉर्स कार्यशील घोड़ा भी कहा जाता है, कार्यशील घोड़ा भी कहा जाता है। इस उपग्रह का इस्तेमाल हम सब ज्यादा करते हैं। जो मिशन मार्स था यानी कि मंगल का मिशन था उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था, PSLV का दिया गया था। PSLV बेसिकली 400 से 500 मीटर की ऊंचाई की कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मिशन मंगल में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। GSLV का क्यों नहीं किया गया, जबकि GSLV जो है वो उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित कर सकती है। तो ये इसका मेन रीजन था। पिछली बार जब GSLV का प्रयोग किया गया था तो उसमें वो फेल हो गया था और इसरो नहीं चाहता था कि इस मंगल यान को किसी भी तरह से कोई नुकसान, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत पर। PSLV का इस्तेमाल लगभग 420 टन में और इसमें तीन प्रकार के रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। PSLV का इस्तेमाल मंगलयान के प्रक्षेपण के लिए भी किया जाता है। नंबर 2 GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल भूतुल्य प्रक्षेपण यान, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल भूतुल्य प्रक्षेपण यान। इस प्रक्षेपण का इस्तेमाल INSAT 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 का फुल फॉर्म क्या है, INSAT का फुल फॉर्म नाम से वाला सब इंडियन सैटेलाइट भारतीय उपग्रह IN इंडियन SAT सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट भारतीय उपग्रह। GSLV का इस्तेमाल INSAT वर्ग की उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GSLV का इस्तेमाल प्रमुख रूप से दूर संचार में इस्तेमाल होने वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्षेपण यान
2250 किलोग्राम तक के उपग्रहों को भूतुल्य कक्षाओं में स्थापित करने के लिए किया जाता है। निम्न तापी चालक का इस्तेमाल किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न तापी चालक का इस्तेमाल किया जाता है या क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक का मतलब है बहुत ठंडे तापमान पे जिसका इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ये दोनों का इस्तेमाल रॉकेट में किया जाता है। रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों डालते हैं? हाइड्रोजन तो इधर हो गया, ऑक्सीजन क्यों डालते हैं? कहें तो ऑक्सीजन तो है ही ना, ऊपर नहीं होती ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए जो तृतीय चरण होता है वो ज़्यादातर क्रायोजेनिक होता है, उस स्टेज को हम लोग क्रायोजेनिक कहते हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन जो किसके इस्तेमाल होती है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, किसी भी चीज़ जैसे फायर एक्सटिंग्विशर देखे हैं सबने, देखा है आग बुझाने वाला जो लगा रहता है लाल लाल, उसमें तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से कभी नोटिस किया? ए बी सी तीन वर्ग होते हैं। अब ये चीज समझ लीजिए, ये तो आप सबकी आँख के सामने आता है ना, गुड नाइट में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है मच्छरों को भगाने के लिए? हाँ, कितने लोग हैं जिनके यहाँ गुड नाइट इस्तेमाल होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? हाँ, तो क्या है उसके अंदर, कौन सा वो है रसायन है, आप जाके देखिएगा, क्योंकि ये जीएस में यही सब पूछते है ना, जीएस में यही सब चीज़ें हमारे आसपास पास बोली होती है उसके बारे में पूछते थे। तो इन सब चीज़ों की जैसे अब अग्निशमन जो है, यानी कि आग बुझाने वाले जो लगे रहते हैं ना, उसमें तीन वर्ग होते हैं, ए बी सी, और सब पे लिखा रहता है कौन सा वर्ग है या किस प्रकार की आग किससे बुझाई जा सकती है। अगर इसमें आग लग जाए तो क्या हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तेल में आग लग जाए तो हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आग को बुझा देंगे, इसलिए अलग अलग वर्ग है और अलग अलग तरह का। नेक्स्ट है थर्ड नंबर थ्री, जी एस एल बी मार्क थ्री ध्रुवीय प्रक्षेपण यान तृतीय, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान तृतीय जीएसएलवी थ्री, ये जिससे अभी प्रक्षेपित किया गया है, इस उपग्रह का इस्तेमाल 4 टन या उससे अधिक भार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। भारत के पास कितने तरह के प्रक्षेपण यान हो गए? 3 तरह के, कौन कौन से? पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क थ्री, जो इस समय अभी कल जिससे एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया। भारत ने विश्व कीर्तिमान बनाया था एक साथ कितने उपग्रह रिलीज करके 1917 में, मालूम है? हाँ, वो है कि अभी टूट गया? किसने बोला? एलन मस्क। कितनी भेज दी उसने? 140 145, तो मैं भी लिखा दूंगा।
नेक्स्ट है मंगलयान, मिशन मंगलयान। अगर वो काफी नीचे आ गया या सैटेलाइट अगर बेकार हो तो एक तरह से कूड़े करकट का काम करती है ना, और जो स्पेस होता है उसके अंदर जो चीजें मूव करती हैं वो इतनी तेजी से करती हैं कि अगर वहां पर एक छोटा सा मतलब अगर कहेंगे कि आप एक इसका तालू का दाना भी है वो भी टकराता है उसको डैमेज कर। स्पेस वेब के बारे में कितने लोगों ने सुना है? स्पेस वेब, जेम्स वेब, जेम्स वेब सुना है? क्या है ये जेम्स वेब? क्या है ये? तो आगे आ जाइए, क्या है जेम्स वेब? एक दूरबीन। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी दूरबीन जो कि मतलब वायु मतलब उसमें अंतरिक्ष में स्थापित की गई है, ये हबल से भी बड़ी है। ये माना जाता है कि ये दूरबीन कितनी दूर तक देख सकती है? लगभग 13 बिलियन लाइट ईयर्स तक। यानी कि जब हम मानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वहां तक की चीजें हम इसे देख सकते हैं। तो ये हो सकता है सर पूछा है। यह एक प्रकार का खोजी यान है जिसे 24 सितंबर 2014 को PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में पहुंच गया। यह भारत का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इससे भारत विश्व में चौथा ऐसा देश बना, चौथा ऐसा देश एवं पहला ऐसा देश बना जिसने अपने प्रथम प्रयास में मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया। मंगलयान के 3 विशिष्ट लक्ष्य पहला मंगल की सतह को तथा उसकी रासायनिक संरचना की जांच कर, सतह की तथा उसकी रासायनिक संरचना का जांच कर। दूसरा है यह पता लगाना कि क्या मार्स पर मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है, मौजूद मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। मतलब मीथेन का पता क्यों लगाना चाहते हैं? मीथेन को अगर उसके वायुमंडल में या कहीं पर भी मार्स में मीथेन मिलती है तो इसका अर्थ क्या होगा?
पानी की संभावना नहीं, जीवन की संभावना। जो जैविक जो है जीव है, मीथेन उन्हीं से बन सकती है, किसी और से, उसका कोई और स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो मीथेन अगर पाई जा रही है तो मतलब वहाँ पर जीवन है। और पानी को पता करने के लिए अलग से उसके ऊपर फील्ड भेजा जाएगा, मतलब भी भेजा जाएगा, जैसे मैं था कि पानी की मधुमेह। जीवन जो होता है ना, हमारा शरीर कितने प्रतिशत पानी का बना हुआ है? लगभग 70%। इस पृथ्वी में कितना पानी है? 70%। तो जो शारीरिक संरचना होती है ना, वो उस ग्रह के बनावट के अनुरूप होगी। हम ये मानते हैं कि पानी है तो जीवन तो होगा ही होगा, क्योंकि हम उसको अपने से जोड़ के देखते हैं। लेकिन किसी भी उसमें अगर हम बात करें कि जीवन की मौजूदगी को अगर हम देख रहे हैं तो किस प्रकार से देखा जाए, हम ये भी तो कह सकते हैं कि उस ग्रह की जो संरचना है उसके हिसाब, इसीलिए तो उसके खनिज बनावट की हम खोज कर रहे हैं। हम जिस प्रकार से जीवन को समझते हैं, जरूरी नहीं कि जीवन उस प्रकार से वहाँ पे भी हो। लेकिन जैसे हम लोग एलियंस बोलते हैं, तो एलियंस कैसे दिखाई देते हैं? हम एलियंस को कैसे देखते हैं? पिक्चरों में कैसे दिखाते हैं? सरवड़ा हो जाता है, हाथ लंबे लंबे होते हैं, आंखें ऐसी होती हैं, नाक नहीं होती है, होता है ना। अच्छा, हम ये मानते हैं कि एलियन ऐसा दिखेगा, क्यों मानते हैं? उसके कान नहीं होते। हम ये भी तो कहते हैं हमारे कान गायब हो जाएंगे, कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। सर बड़ा हो जाएगा, कहते हैं कि नहीं कहते? जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हम का गायब, यही एलियन तो हम देखते हैं, जैसा हम समझते हैं, ठीक है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा नहीं। नेक्स्ट इज मंगल के ऊपर सौर किरणों के प्रभाव को प्रभाव का पता लगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टडी मतलब कि जो सूर्य की जो वो आती है किरणें आती हैं, वो मंगल के वायुमंडल को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसका अध्ययन करें। ये अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? हम ये मानते हैं कि भविष्य में मानव ग्रह मंगल पे ही जाएंगे, तो उस समय की तैयारी एक तरह से इस समय से शुरू की जाए। नेक्स्ट है मंगल मिशन 2 मंगल मिशन 2 भारत की अंतर्ग्रही योजना है। इस योजना को 2025 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में उच्च स्तरीय कैमरों का इस्तेमाल को मंगल की सतह को अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। उच्च स्तरीय कैमरों का इस्तेमाल को भेजा जाएगा, जिससे कि मंगल की सतह का अध्ययन किया जा सके बेहतर तरीके से, मध्यम की मंगल की सतह का अध्ययन किया जा सके। इसी के लिए वॉन्ट टू स्टडी अपर क्रस्ट। जैसे हाँ, जो हमारा पृथ्वी है, प्लेट टेक्टोनिक्स, कितने लोग ज्योग्राफी के लिए इन्हें ज्योग्राफी का प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम सुना? प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है?
मतलब जो नीचे की सतह है वो एक तरह से प्लास्टिक की तरह है और जो ऊपर की ठोस सतह है उसके ऊपर तैर रही है, जो सतह तैर रही है उसको बोलते हैं क्रस्ट। इसी तरह से हम मंगल की सतह को अध्ययन करना चाहते हैं कि उसकी संरचना किस प्रकार से, ठीक है, उसके अंदर की जो बनावट है वो किस प्रकार से। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 मंगल मिशन तृतीय का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत मंगल पर एक रोवर को उतारने का लक्ष्य रखा गया। चंद्रयान वन वाज इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून, यह भारत का प्रथम मिशन था जिसके द्वारा चंद्रमा का की सतह का अध्ययन किया गया। इसका प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को PSLV के द्वारा किया गया। इसका प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 PSLV द्वारा किया गया। चौदह नवंबर 2008 को प्रो PROB2 या खोजी यंत्र चंद्रयान से अलग होकर के चंद्रमा की सतह पर उतर गया। चंद्रयान 2 इसका प्रक्षेपण GSLV मार्क 3 द्वारा July 22 को किया। इसमें चंद्रयान 2 में 3 प्रमुख हिस्से थे। पहला था ऑर्बिटर जिसका नाम लूनर रखा गया। नंबर 2 लैंडर LANDER जिसका नाम विक्रम रखा गया। तीसरा रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया। इसके बेसिकली चंद्रयान 2 में सिर्फ 3 पार्ट से पहला क्या है ऑर्बिटर क्या होगा, तो चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, ठीक है, ऑर्बिट करेगा। लैंडर जो रोवर को नीचे पहुंचाएगा और रोवर, ठीक है, 3 पार्ट होंगे। रोवर तो उसकी सतह पर अध्ययन करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना
तथा यह पता लगाना कि चंद्रमा पर जल मौजूद है या नहीं। तथा एक मानचित्र तैयार कर चंद्रमा पे पानी का पता लगाना चाहते हैं। चंद्रमा पे पानी का पता लगाने से क्या फायदा होगा? देखिए चंद्रमा पर हम वैसे भी रह नहीं सकते क्योंकि उसकी ग्रेविटी है एक मतलब एक बटा छः, जितना भार हमारा यहाँ पर है उससे हम छः गुना हल्के वहाँ पर, तो वहाँ पे पेड़ पौधे उगाना भी संभव नहीं क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पेड़ पौधे संभव। अगर चंद्रमा में पानी मिलता है तो पानी किन चीज़ों से बना होता है? और हाइड्रोजन, दो चीज़ों से। और हमें ईंधन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बेसिकली इन संभावनाओं को इसलिए देखा जा रहा है कि क्या हम मून को आगे के लिए एक बेस की तरह इस्तेमाल करें कि हम यहाँ से पहुँच करके फिर आगे की अपनी जो अंतरग्रही यात्राएँ हैं उनके लिए जा सकते। हाँ मतलब अगर हमें ईंधन का, क्योंकि देखिए ईंधन बहुत ज़्यादा चाहिए था एक रॉकेट में, अगर 100% माने तो 90% क्या होता है? ईंधन। और 10% जगह जो होती है वो केवल किस लिए होती है? उपग्रह के लिए। तो अगर हम कम ईंधन में यहाँ तक पहुँच रहे तो ज़्यादा भार ले सकते हो और फिर यहाँ से दोबारा ईंधन भर करके आगे जा सकते हो। इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक और इसमें टेक्नोलॉजी है साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट ध्वनि रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी, साउंडिंग या ध्वनि रॉकेट तकनीक। साउंडिंग रॉकेट का नाम सुना होगा, ये क्या होते हैं? ध्वनि साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं इसको। साउंडिंग रॉकेट इसलिए बोला जाता है, इन रॉकेट का इस्तेमाल बेसिकली हम चीज़ों का अध्ययन करने के लिए, हम अलग अलग प्रकार के जो ईंधन होता है उसके जलने के तरीका का अध्ययन करते हैं। अगर हमें कोई नया ऊर्जा हमें स्पेस क्राफ्ट में लगाना है तो हम इन रॉकेट्स में लगा करके उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये सस्ते पड़ते हैं और ये ऊपर की जो अंतरिक्ष है उसके वहाँ तक सीमा तक पहुँच जाते हैं, इस वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस टेक्नोलॉजी इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साउंडिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी यह दो चरणों में, ये रॉकेट दो चरणों में ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं तथा इनका इस्तेमाल ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए किया जाता है। ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के स्टडी अध्ययन के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल उन यंत्रों का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है जिनका इस्तेमाल प्रक्षेपण यान या उपग्रह में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इंडेक्स है इसको। भारत ने 26/3/2023 को
लगभग 9 बजे छत्तीस उपग्रहों का प्रक्षेपण, जिनका कुल भार 5,805 किलोग्राम था, को 450 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में GSLV मार्क 3 द्वारा स्थापित हुए। यह GSLV मार्क 3 या छठी सफल उड़ान, कल सुबह सुबह इन्होंने 9 बजे को प्रक्षेपित किया होगा। आप हमने अगर चैनल खोला होगा तो दिखा सकते हो, 100% दिखा होगा। हालांकि देखिए अंतरिक्ष जो इसका एक वो है, इसरो का एक ब्रांच जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का उद्देश्य क्या है, उपग्रहों को मतलब उनके कक्षाओं में स्थापित करना, यानी अलग अलग देशों के उपग्रहों को हम उनकी अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करें। उसके लिए हमें क्या मिलते हैं फॉर्म में ऐसे एक एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें हो सकता है इससे संबंधित कुछ प्रश्न होगा। पहला है 15 फरवरी 2017 को इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित कर करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इसके पहले यह कीर्तिमान रशिया के नाम दर्ज था। इसने 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया, 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट पॉइंट 24 जनवरी 2022 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। क्या विश्व कीर्तिमान नया विश्व कीर्तिमान अलावा जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो एक मैगजीन आती है इंडिया, नाम सुना है इसका,
इंडिया हर साल आती है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सुना है इसका नाम, कितने लोगों ने सुना है, इंडिया करके आती है, मैगजीन नहीं है, बुक आती है, साल की जो वार्षिकी निकलती है, कितने लोग खरीदते हैं उसको, एक बार उसको आपने साल में ज़रूर दी, सबके पास होगी, ठीक है। उसमें आपको ये सारे कार्यक्रम सारे सारी चीज़ों का लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा और वो हर विषय को कवर करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को वो कवर करता है। इतनी मोटी सी आती है, साल में एक बार आती है और अपडेट होकर के आती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है भारतीय नाभिकीय तारीख, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारतीय नाभिकीय तारीख। नाभिकीय कार्यक्रम में महत्वपूर्ण है, अच्छा नाभिकीय से अच्छा दो चीजें होती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। कितने लोगों को इसके बारे में पता है, न्यूक्लियर फिजन का अर्थ क्या हुआ और न्यूक्लियर फ्यूजन का अर्थ क्या? जो ये है हमारा कैसे सूरज, इसमें क्या हो रहा है, नाभिकीय यानी कि फ्यूजन, और फ्यूजन का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन, टूटना। जब अणु जुड़ते हैं और जब अणु टूटते हैं दोनों ही प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे किसी जैसे इसके एटम को हम लें और इसको भी तोड़ दें तो इसमें से भी ऊर्जा निकलती है। लेकिन इसके अणु को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा जितनी ऊर्जा से निकलेगी उससे ज़्यादा होगी, इसको तोड़ने में हमें कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा अणु मिले जिसको तोड़ने में हमें कम ऊर्जा देनी पड़े लेकिन उससे ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकले तो हमारे लिए फायदा नहीं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं, ऊर्जा को पैदा करने के लिए कर सकते हैं, एक नया स्रोत विकसित कर सकते हैं, और ये बहुत घातक भी है। ये बहुत घातक इसलिए होती है, नागासाकी हिरोशिमा का नाम सुना है, नागासाकी हिरोशिमा सुना है, क्या कहना था उसको, लिटिल बॉय और द कार्ड था, वो बम गिराए थे 6 और 9, ठीक है। उसमें एक बहुत बड़ी तबाही, उसके बाद टसर बॉम्ब एक बार रशिया ने उसका जांच किया था, वो किया था उसका परीक्षण किया। टसर बॉम्ब का नाम सुना है कभी, इस जांच के बारे में जब यूट्यूब पे या कहीं पर पढ़िएगा तो आप पाएंगे कि अभी तक का सबसे बड़ा नाभिकीय विस्फोट जो किया है वो रशिया ने किया था, और उसमें भी उसकी ऊर्जा को बहुत हद तक सीमित रखा गया था। ये माना जाता है कि अगर पूरी ऊर्जा को इसमें लाने दिया होता तो पृथ्वी को नुकसान, ये इतने बड़े पैमाने का धमाका था। उसके बाद इस प्रकार के जो परीक्षण है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हैं कि इस प्रकार के परीक्षण कोई नहीं है। एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, जो उसमें तरह से हाइड्रोजन एटम अगर ये दोनों एटम आपस में जुड़ दें, इसको हम आपस में जोड़ दें तो क्या बनेगा, हीलियम, हीलियम बनेगा, ठीक है, H E बोलते हैं, क्या चीज़ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हीलियम बनते हैं। हीलियम का जो कुल मास होता है, ठीक है, वो दो हाइड्रोजन से कम होता है, यानी अगर हम दो हाइड्रोजन को तौलें और हीलियम को तौलें तो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ज़्यादा भारी है और हीलियम जो है उनकी तुलना में हल्का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भार था या जो उसका मास था हीलियम का, हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन का, वो गया था, वो ऊर्जा में परिवर्तित, वो ऊर्जा में जब परिवर्तित हुआ तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल गई। तो सन के ऊपर यानी कि सूर्य के ऊपर यही क्रिया लगातार चल रही है, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, हीलियम बनाते हैं, और जो मास यानी कि उनके मास में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ऊर्जा के माध्यम से बाहर निकलता है।
इसीलिए हम कहते हैं कि सूरज कितने साल तक और चलेगा, कब तक और चलेगा? अगर अगर ईंधन के आधार पर है तो ईंधन एक निश्चित है, जब तक ईंधन लगभग 5 बिलियन ईयर्स का होता है, लगभग 5 बिलियन ईयर्स और चलेगा, उसके बाद ये देखिए जो ब्लैक स्पॉट होता है ना सूरज के, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे हिस्से। अगर हम कोई बहुत गर्म चीज ले तो बहुत तेज गर्म है, और अगर यहाँ पे हल्का सा ठंडा होगा तो दूर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये जलता हुआ दिखेगा और ये तारा दिखेगा, धब्बे जैसे दिखेगा, ऐसा नहीं कि ठंडा हो गया, लेकिन बाकी आसपास के तुलना में ये ठंडा है, इस वजह से ब्लैक स्पॉट है, यानी इस जगह से बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकल रही है, सूर्य की तरंगे निकल रही है जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं तो हमारे सैटेलाइट वगैरह वो सबको नुकसान पहुंचाते हैं, जब ब्लैक स्पॉट्स बढ़ने लगते हैं सूर्य के ऊपर तब ये सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। अब समस्या इसमें क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम को आपस में जोड़ने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है। जब हम इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा देते हैं और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उससे भी ज़्यादा ऊर्जा निकालता है, तो अगर हमें हाइड्रोजन बम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले एक एटम बम फोड़ना पड़ेगा, यानी कि इतना तापमान हमें पैदा करना पड़ेगा कि ये दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ जाए, और जैसे ही ये जुड़ेंगे जितनी ऊर्जा हमने उसमें दी है उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा ये वापस निकालेंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन फ्यूजन करा ले जाए, अगर हाइड्रोजन फ्यूजन हम करा ले जाते हैं इस पृथ्वी में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। क्यों? देखिए इसमें विकिरण की समस्या नहीं है, रेडिएशन की समस्या नहीं है, लेकिन इसको करने में समस्या क्या है? ऐसा कौन सा हम वो बर्तन लाए जिसके अंदर ये क्रिया करा पाए जो इतनी बड़ी तापमान को सह जाए बिना पिघले, ऐसा अभी तक पृथ्वी पे कोई भी बर्तन नहीं है। एक वेसल था जिसको बनाया था रशियन ने, टेकमैक वेसल को, टेकमैक वेसल के द्वारा इसको इस तरह से किया गया, हाइड्रोजन को मैग्नेट की मदद से एक जगह पर स्थापित करा गया और लेजर की किरणों से इसको ऊर्जा प्रदान की गई ताकि ये आपस में क्रिया कर सके। ये क्रिया कुछ सेकेंड के लिए की गई लेकिन लंबे समय तक इसको सस्टेन नहीं किया। इसी पे आप लोगों ने टर्मिनेटर जिसमें पिक्चर देखी है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, टर्मिनेटर देखिए, देखा है उसमें, देखा है उसमें एक सीन था कि वो अपनी बॉडी से सेल निकाल करके फेंकता है, याद है वो एटम बम की तरह फटता है, याद है कि नहीं? वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये कहा जाता है कि भविष्य में अगर हम इस क्रिया को रूम टेम्परेचर पे ले आए तो हम ऐसा सेल बना सकते हैं जिसे आपकी बीसियों साल तक आप अपने घर में लगा दो पूरे घर की लाइट जलेगी, कहीं जाना हो अपनी गाड़ी में लगा दीजिए पूरी, जहाँ जाना घर इतनी ऊर्जा हो देगा और बीसियों साल तक वही जो टेम्परेचर पिक्चर में निकाल के फेंकता है। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि हम इसको कर लेंगे। दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब क्या हुआ? तोड़ना, विघटन करना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 है, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव क्यों होता है, विकिरण क्यों दर्शाता है? और नोबल गैसेस का नाम सुना है? नोबल गैसेस क्या होती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन, ये सारी जो है इनको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? रिस्की, हाँ, निष्क्रिय गैस, ये किसी भी चीज से क्रिया नहीं करते, नोबल। ठीक है, जैसे अब ये क्रिया क्यों नहीं कर रही,
पहली चीज तो हमको ये समझना है कि रसायन में चीजें क्रिया करती क्यों, कोई भी जो पदार्थ किससे बना होता है, अणुओं से, एटम से, एटम किससे बने होते हैं, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर ये आपस में बराबर है, यानी ये आपस में बैलेंस्ड है, संतुलित है, तो इसको क्रिया करने की आवश्यकता ये क्रिया नहीं करेगी, ये नोबल रहेगी। लेकिन अगर इनके बीच में संतुलन नहीं है तो क्या होगा, ये संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा। ये प्रकृति में कोई भी चीज जो संतुलित नहीं है उसका उद्देश्य क्या होता है, संतुलन स्थापित करना, यानी उस जगह पे बनना जहां पर बने रहने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को खर्च करना पड़े। जैसे अगर हम यहाँ पे पानी को गिराएं तो पानी कहाँ पे जाके रुकेगा, यहाँ पे ढलान रुक जाएगी, यहाँ पे ढलान नहीं होगी, यानी उस स्थान पे बने रहने के लिए पानी को कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी, इसलिए उस स्थान पे जाएगा। तो कोई भी पदार्थ क्रिया नहीं करेगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है इतना ज़्यादा होता है कि असंतुलन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसको संतुलन में लाने के लिए ये अपने अंदर से ऊर्जा को लगातार निकालते हैं, ठीक है, ये अपने अंदर से ऊर्जा को निकालते हैं ताकि इस संतुलन को स्थापित किया जा सके। इसी को हम बोलते हैं विकरण या रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब अगर यूरेनियम 235 है तो ये ऊर्जा निकालेगा, और तीन प्रकार से ऊर्जा को निकाला जाता है, कौन कौन सा, अल्फा, बीटा और गामा। सबसे बड़ा कौन सा होता है, अल्फा, ठीक है, ये लगभग हीलियम के एटम के बराबर होता है। तो अगर रेडिएशन में वो है अल्फा रेडिएशन आ रहा है, तो अगर हम एक हल्की सी एक एल्यूमिनियम पे जिसमें वो भी टूटी हुई मानते हैं, अगर उसको भी ओढ़ लें उससे बचे वो हमारे अंदर घुस नहीं पाए। उसके बाद आता है अल्फा और बीटा और गामा। गामा जो है उसकी मतलब वो एक प्रकार से प्रकाश की तरह कार्य करता है और बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो इस दीवार को भी पार कर सकता है और हमारे अंदर हमारे शरीर को, और एक्सरे अलग होती है। अब एक्सरे देखिए मैं इसके बारे में बता दूंगा, स्पेक्ट्रम सुना है, वेवलेंथ का नाम सुना है, वेवलेंथ क्या होती है, तरंग की लंबाई क्या होती है, वेव लेंथ, आपने कभी तालाब में पानी फेंका है, तरंगे बनती है, इस तरह से बनती है, देखा है ना सबने, यहां से यहां तक की दूरी को देख लेते हैं, ठीक है, एक तरंग में कितनी दूरी, उसको हम वेव लेंथ। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे अब इसमें देखते हैं कि वेवलेंथ छोटी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ बड़ी है, फ्रीक्वेंसी कम है। अगर हम कहें एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ निकली, इसकी ज्यादा होगी, कौन सी वेव ज्यादा निकलेगी, ऊपर वाली, ऊर्जा किसमें ज्यादा होगी, ऊपर वाली में। भाई अगर कम समय में ज्यादा ऊर्जा आ रही है तो ऊर्जा किसमें ज्यादा होगी, ऊपर वाली। तो शॉर्टर द वेवलेंथ मोर इज द एनर्जी, लॉन्गर द वेवलेंथ लेस इज द एनर्जी। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगा, वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी ऊर्जा उतनी कम होगी। तो हमारे लिए सुरक्षित कौन सी होगी, लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग कम ऊर्जा वाली। तो हम मोबाइल फोन में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट, लॉन्ग करेंगे ना, वरना हमें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। कौन सी वेवलेंथ यूज करते हैं अपने मोबाइल से कम्युनिकेशन के लिए, कौन सी वेवलेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके पास मोबाइल है कि नहीं, कभी सोचा
किस वेवलेंथ को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन्स, इनकी जो वो होती है फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, इसके अंदर ऊर्जा बहुत कम होती है। अब जो रेडिएशन है, अब रेडिएशन का मतलब हुआ ये तरंगों का चलना। अब तरंग में अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, अगर उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी ऊर्जा कम होगी। जो विकिरण होता है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, और जब ये हमसे टकराएगा तो इस ऊर्जा को हमारे अंदर स्थानांतरित करेगा, हमारे डीएनए को और क्रोमोसोम्स को डैमेज करेगा, ठीक है, नुकसान पहुंचाएगा। और डीएनए को डैमेज तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए है और ये जीन है, जीन किसको कंट्रोल करता है, प्रोटीन, और प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन को, प्रोटीन हमारे संरचना और हमारे क्रियाओं को निर्धारित करता है, अगर ये डैमेज हुआ तो ये डैमेज होगा, ये डैमेज होगा तो ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, कोई चीज तो ना समझ में आए और इंडिया सब तो